हाय फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। आज हम आपको टाइम एंड वर्क पार्ट 10 पढ़ाएंगे। तो आइए यहां से हम प्रश्न को करते हैं। प्रमोद ने 9 दिन में एक काम का 1/4 भाग कर लिया है। सरोज बचा हुआ काम 27 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए यहां से कह रहा है कि प्रमोद 1/4 भाग काम का 1/4 भाग कितने दिन में पूरा करता है। ये कह रहा है कि 9 दिन में पूरा करता है। ये देखिए प्रमोद काम का 1/4 भाग 9 दिन में पूरा करता है, तो काम का एक भाग कितने दिन में पूरा करेगा? काम का एक भाग पूरा करेगा, यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 × 36 दिन में। यहां से देखिए और कह रहा है कि बचा हुआ काम 27 दिन में कौन पूरा करता है? सरोज पूरा करता है। तो देखिए यहां से लिख देते हैं सरोज। ये देखिए सरोज बचा हुआ काम कितना हो जाएगा? यहां से देखिए, यहां पर देखिए पूरा काम कितना होता है? एक होता है। पूरा काम को एक मानते हैं। एक में से प्रमोद कितना कर लिया? 1/4 कर लिया, तो बचा हुआ काम कितना हो गया? 1 − 1/4, या क्या हो गया? शेष काम। तो यहां से कितना हो गया? 3/4। 3/4 कौन कर रहा है? सरोज कर रहा है। देखिए सरोज यहां ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, 3/4 काम कौन कर रहा है? सरोज। तो देखिए यहां से सरोज 3/4 काम 3/4 भाग कितने दिन में कर लेता है? कह रहा है कि 27 दिन में। प्रश्न में कह रहा है कि 27 दिन में। तो यहां से इसका एक भाग कितने दिन में करेगा? यहां से देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 27 × यहां से देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे, यहां 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 3 = 27। यहां से गुणा कर लेंगे, 9 × 4 = 36 दिन में। सरोज कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये सरोज है और ये प्रमोद का काम है। तो यहां से देखिए यह काम को कितने दिन में कर रहे हैं? यहां देखिए प्रमोद कितने दिन में कर रहा है? प्रमोद कर रहा है 36 दिन में प्रमोद काम कर रहा है। और सरोज कितने दिन में कर रहा है? ये भी 36 दिन में काम कर रहा है। तो देखिए यहां पर डे से रिप्रेजेंट कर देते हैं डी। तो यहां देखिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 36 और 36 का एलसीएम कितना होगा? 36 होगा। ये क्या हो गया? टोटल वर्क कैसे आया? एलसीएम लेने पर। एलसीएम क्यों लेते हैं? क्योंकि इससे डिवाइड हो जाना चाहिए। तो यहां से देखिए प्रमोद 36 दिन में 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1 यूनिट काम करेगा। इसकी एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी होगी? 1 होगी। यहां से देखिए सरोज 36 दिन में 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। एक किसकी? सरोज की क्षमता हो गई। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये देखिए टोटल काम कितना है? 36 है। आप दोनों मिलकर कितने करेंगे? ये देखिए यहां पर प्रमोद की एफिशिएंसी 1 है और सरोज की भी, दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। जोड़ने पर यहां पर कितना आ गया? 18 दिन में। यानी प्रमोद और सरोज मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? 18 दिन में। यहां पर यही आपका आंसर है। यहां पर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 82 है। बहन 25 घंटे में 50 केक बना सकती है। बहन और माँ मिलकर 15 घंटे में 75 केक बना सकती हैं। माँ 15 घंटे में कितने केक बना सकती है? तो यहां से देखिए यहां पर सिस्टर, यहां पर देखिए एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिस्टर। सिस्टर 25 घंटे में कितना केक बना रही है? ये देखिए 25 घंटे आवर में कितना केक बना रही है? यहां पर 50 केक बना रही है, 50 केक बना रही है। तो एक घंटे में बहन कितना
एक घंटे में बहन कितना केक बनाएगी? 50/2, सॉरी 50/25, तो यहां से कितना आ जाएगा? 2 केक। देखिए बहन एक घंटे में कितना केक बना रही है? 2 केक। अब आगे कह रहा है कि बहन और माँ, देखिए बहन सिस्टर और मदर मिलकर, देखिए कह रहा है कि 15 घंटे में 75 केक बना लेती हैं, तो एक घंटे में कितना केक बनाएंगी? एक घंटे में, देखिए सिस्टर और मदर एक घंटे में मिलकर कितना केक बनाएंगी? 75/15, तो यहाँ से भाग दीजिए कितना आ जाएगा? एक घंटे में 5 केक बनाएंगी। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर सिस्टर और मदर की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। देखिए एस सिस्टर और मदर की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 5 है। तो यहाँ से देखिए सिस्टर की कार्य करने की एक घंटे की क्षमता कितनी है? 2 है। तो यहाँ रख दीजिए 2+m=5, 2+m=5, तो m=5 - 2, m=3। माँ, देखिए माँ अकेले एक घंटे में कितना केक बनाएगी? 3 केक बनाएगी। तो यहां से कह रहा है कि माँ 15 घंटे में कितना बनाएगी? ये देखिए माँ एक घंटे में 3 केक बनाती है, तो 15 घंटे में कितना बनाएगी? यहां से देखिए, यहां पर 15 आवर में माँ कितने केक बनाएगी? यहां 15 से गुणा कर लीजिए, 15 * 3 = 45। ये देखिए माँ 15 घंटे में कितना केक बनाएगी? 45 केक बनाएगी। यही आपका आंसर है। यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 83 है। प्रबोध ने 30 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया है। सपन बचा हुआ काम 45 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर काम को प्रबोध कितने दिन में कर रहा है? देखिए प्रबोध कह रहा है कि काम का 1/2 भाग कितने दिन में पूरा करता है? 30 दिन में करता है। तो देखिए काम का एक भाग प्रबोध कितने दिन में पूरा करेगा? यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 60 दिन। ये देखिए प्रबोध के लिए हो गया। अब यहां से देखिए सपन कह रहा है कि सपन बचा हुआ काम, देखिए 1/2 काम किसने कर लिया? आधा काम प्रबोध ने कर लिया, तो बचा हुआ काम कितना है? 1/2 ही है, क्योंकि यहां से देखिए पूरा काम 1 होता है और 1/2 प्रबोध ने कर लिया, तो यहां से घटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 2 - 1 = 1/2। देखिए ये क्या है? शेष काम है। तो यहां से 1/2 काम कौन कर रहा है? सपन कर रहा है। तो 1/2 भाग कितने दिन में सपन करता है? 45 दिन में करता है। तो एक भाग कितने दिन में करेगा? एक भाग यहां से देखिए 90 दिन में करेगा। अब देखिए कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये देखिए यहां से प्रबोध कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में काम को कर रहा है, और यहां से देखिए सपन कितने दिन में कर रहा है? 90 दिन में कर रहा है। यहां से देखिए अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 60 और 90 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 180। यह क्या हो गया? पूरा किया गया कार्य, टोटल वर्क कैसे आया? एलसीएम लेने पर। यहां से देखिए प्रबोध 60 दिन में 180 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? यहां से भाग दे रहे होंगे आप, कितना होगा? डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3। यहां से देखिए, यहां से सपन 90 दिन में 180 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? यहां से 180 में 90 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 2 यूनिट काम करेगा। तो देखिए कह रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये देखिए दोनों की एफिशिएंसी है और टोटल काम कितना है? 180 है।
टोटल काम कितना है 180 है और दोनों की एफिशिएंसी से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 3, 2, 5 यहाँ पर भाग देंगे तो आएगा 36 दिन। यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न 84 है। विजय तथा साहिल मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। साहिल तथा रंजीत उसी काम को 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं और रंजीत तथा विजय उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? देखिए तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल विजय प्लस साहिल, ये देखिए विजय प्लस साहिल मिलकर कितने दिन में करते हैं? 40 दिन में करते हैं। आगे कह रहा है कि साहिल और रंजीत मिलकर कितने दिन में करते हैं वही काम? 48 दिन में। फिर आगे कह रहा है कि रंजीत और विजय मिलकर वही काम कितने दिन में करते हैं? 60 दिन में करते हैं। अब देखिए इन तीनों का एलसीएम लीजिए, 40, 48 और 60 का एलसीएम लेना है तो यहां से देखिए इन तीनों का 40, 48, 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 240। एक कैसे आया एलसीएम लेने पर, क्या है एक टोटल वर्क है, एलसीएम लेने पर आया है किसका? 40, 48 और 60 का। तो देखिए यहां से विजय और साहिल 40 दिन में 240 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम करेंगे तो यहां से क्या होगा 240 में 40 से भाग देना है। यहां पर देखिए साहिल और रंजीत मिलकर 48 दिन में 240 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट काम करेंगे। यहां 240 में 48 से भाग देना है। यहां पर देखिए रंजीत और विजय मिलकर 60 दिन में 240 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे। 240 में 60 से भाग देना है तो देखिए यहां पर क्या कर रहा है कि यहां पर देखिए यहां पर विजय यहां भी है, यहां भी है, साहिल यहां भी है, यहां भी है और रंजीत यहां भी है, यहां भी है, तो यानी ये 2 बार रिपीट हुए हैं तो यहां पर 2 कॉमन ले लेंगे, सबको जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा? विजय प्लस साहिल प्लस रंजीत मिलकर एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है? यहां से जोड़ लीजिए 6, 5, 11, 4, 15 कितना होगा? 15। तो विजय साहिल तथा रंजीत की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई? 15/2। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये देखिए पूरा काम कितना है? 240 है। विजय साहिल और रवि की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है? 15/2। तो यहां से बस 240 पूरा काम में इनकी क्षमता से भाग दे दीजिए 15/2। देखिए यहां पर भाग देंगे तो यहां से देखिए भाग देंगे 15 × 2 = 240 होता है और यहां पर आगे जाएगा 16 और ये 2 ऊपर जाएगा × 2 इज इक्वल टू 32 दिन। देखिए विजय साहिल तथा रंजीत मिलकर उस कार को कितने दिन में करेंगे? 32 दिन में करेंगे। यहां पर आपका ऑप्शन 3 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न 85 है। ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? देखिए प्रश्न में कह रहा है कि ए प्लस बी, ए बी तथा सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? कह रहा है कि 20 दिन में किसी कार्य को कर रहे हैं। तो आगे कह रहा है कि ए और बी उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 30 दिन में कर रहे हैं। यहां से देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे कितना होगा? 60 होगा। ये क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। कैसे आया? एलसीएम लेने पर।
किसका एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम लेना है, 60 आ गया। देखिए ए बी और सी मिलकर 20 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 60 में 20 से भाग दे दीजिए, कितना काम करेंगे, 3 काम करेंगे। यहाँ पर देखिए ए और बी मिलकर 30 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 काम करेंगे। तो देखिए यहां से ये क्या हो गई, इन सब की इफिशियंसी हो गई, क्षमता हो गई। तो यहां से देखिए ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा, यहां पर एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 है। तो यहां से देखिए ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है, 2 है। तो प्लस सी इज इक्वल टू 3, तो सी इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, यहां लिख देते हैं सी इज इक्वल टू 1। तो देखिए सी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 1 है। तो पूरा टोटल आगे कर रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये देखिए टोटल काम कितना है, 60 है, और सी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 1 है। यहां 1 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 60 दिन। काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, 60 दिन में। यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 86 है। ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक कार्य को 6 दिन में पूरा करता है, जबकि बी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। यदि कार्य को 5 दिन में पूरा करना हो तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करना होगा। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, ए का टोटल वर्क कितना होगा, एक दिन यहाँ पर पूरा कार्य कितना होगा, कह रहा है कि 8 घंटे 6 दिन कार्य कर रहे हैं, तो पूरा कितना घंटा हो गया, 8 × 6 = 48 घंटे। यहां से देखिए बी का टोटल वर्क कितना होगा, कह रहा है कि बी 10 घंटे 4 दिन तक काम करता है, तो पूरा कितने घंटे हो गए, 40 घंटे हो गए। अब कह रहा है कि यदि कार्य को 5 दिन में पूरा करना हो, तो देखिए यहाँ पर ए कितने घंटे में पूरा कर रहा है, ए कर रहा है 48 घंटे में, और बी कितने घंटे में कर रहा है, 40 घंटे में। तो दोनों का एलसीएम ले लीजिए, यहां से 48 और 40 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 240। यह क्या है, टोटल वर्क है, कैसे आया, एलसीएम लेने पर। यहां से देखिए ए 48 घंटे में 240 काम करता है, तो एक घंटे में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा, 240 को 48 से भाग देना है। यहां पर देखिए बी 40 घंटे में 240 काम करता है, तो एक घंटे में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। तो देखिए यहां से कह रहा है कि अब देखिए दोनों की एफिशिएंसी मिल गई हमें, यहां पर देखिए ये क्या है, ए और बी की एफिशिएंसी है, तो पूरा टोटल कार्य कितना है, 240 पूरा कार्य है, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 6, 5, 11। अब कह रहा है कि काम को 5 दिन में पूरा करना हो, तो ये देखिए 5 दिन में पूरा करना हुआ, तो यहाँ पर काम का एक भाग कितने दिन में होगा, 1/5 दिन में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुणे 1/5। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 240 11/55, यहाँ पर भाग दे रहे होंगे 4 × 4/11 घंटे, यही आपका आंसर है। यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 87 है। ए और बी एक साथ 15 दिनों में एक काम करते हैं, और ए अकेला काम करते हुए उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी को अकेले उस काम का आधा भाग करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी मिलकर कह रहा है कि 15 दिन में कर लेते हैं। आगे कह रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेता है,
20 दिन में कर लेता है। यहां से देखिए 15 और 20 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 60 होगा। ये क्या हो गया टोटल वर्क, कैसे आया एलसीएम लेने पर। तो यहां से देखिए ए और बी मिलकर 15 दिन में 60 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। यहां से देखिए ए 20 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ये क्या हो गई ए प्लस बी की क्षमता, एक दिन की क्षमता कितनी हो गई, 4 हो गई, और ए की एक दिन की क्षमता 3 है। तो यहां से कह रहा है कि यहां पर कह रहा है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। यहां से देखिए इसकी क्षमता कितनी है, 4 है, और ए की क्षमता कितनी है, 3 है। यहां पर रख दीजिए 3 प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो बी इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो बी इज इक्वल टू 1। बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 1 है। और प्रश्न में आगे कह रहा है कि बी को अकेले उस काम का आधा भाग, ये देखिए पूरा काम कितना है 60 है, तो इसका आधा कितना होगा 30 होगा, इसका आधा कितना होगा 30 होगा। और कह रहा है कि बी को करने के लिए, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है, इससे भाग देंगे कितना होगा 30 दिन। यहां पर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न 88 है। ए एक काम का 75% हिस्सा 9 दिनों में पूरा कर सकता है और बी 8 दिनों में उस काम का आधा हिस्सा पूरा कर सकता है। यदि वे मिलकर इस काम को करते हैं तो वे उस काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है कि ए एक काम का 75% हिस्सा कर सकता है, तो देखिए 75% का फ्रैक्शन कितना होगा, 3/4। कैसे, यहाँ पर हम जानते हैं कि 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। मैंने एक परसेंटेज में इसको आपको बताया हूँ, तो यहाँ से देखिए इसका 3 गुना करिए, इसका 3 गुना कितना होगा, देखिए इसका 3 गुना 75 होगा, 75%, तो इधर भी 3 का गुणा होगा, 3/4 वही आया है यहाँ पर, तो इसको मैं रफली बताया हूँ। तो यहां से देखिए कह रहा है कि ए 75% 3/4 भाग काम का, 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करता है, 9 दिन में पूरा करता है। तो ए काम का एक भाग कितने दिन में करेगा, यहां से देखिए 9×4/3, 3×9 कितना दिन होगा, 12 दिन में। ए कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। अब कह रहा है कि बी 8 दिनों में उस काम का आधा हिस्सा पूरा करता है। ये देखिए काम का आधा हिस्सा पूरा करता है कौन, बी, कितने दिनों में कर रहा है, 8 दिनों में कर रहा है। ये देखिए काम का एक हिस्सा कितने दिनों में पूरा होगा, यहां से 16 दिनों में। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में करेंगे, तो देखिए यहां से ये देखिए यहां पर ए हो गया, यहां बी हो गया, देखिए ए कितने दिन में कर रहा है कि 12 दिन में कर रहा है, और बी कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में कर रहा है। देखिए यहां पर 12 और 16 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 48 होगा। यह क्या है टोटल वर्क है, कैसे आया एलसीएम लेने पर। यहां पर देखिए ए 12 दिन में 48 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12×48 4 काम। तो यहां से देखिए बी 16 दिन में 48 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम, 16×48। तो कह रहा है कि उस काम का आधा हिस्सा, देखिए पूरा काम कितना है, 48 है, इसका आधा कितना होगा, 24 होगा। उस काम का आधा हिस्सा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये देखिए दोनों को मिला लीजिए, 4×3 7 कितना होगा, 7 दिन, 24/7 दिन। यहां पर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट प्रश्न 89 है।
छह घंटे प्रतिदिन कार्य करके रमन किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। कार्य को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? तो देखिए यहां से हम जानते हैं M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 T2। तो देखिए यहां पर जो M1 है दोनों व्यक्ति एक ही हैं, तो इसको हम यहां से डिलीट कर देते हैं M2 और M1। तो यहां से सिर्फ बस क्या रहा है D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 T2। तो देखिए यहां पर कितने दिन लग रहे हैं, कह रहा कि 6 घंटे प्रतिदिन काम करके रमन किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करता है। 24 × 6 और यहां पर कह रहा है कि 18 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने घंटे काम करना होगा। यहां से T2 निकालना है। यहां से देखिए 6 × 18 और यहां से 8 × 24, तो T2 इज इक्वल टू यहां से 8 घंटे। यहां पर यही आपका आंसर है। यहां पर आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रश्न 90 है। ए तथा बी एक साथ किसी काम को 40 दिनों में कर लेते हैं, बी तथा सी 36 दिनों में कर लेते हैं, तथा सभी तीनों मिलकर किसी काम को 24 दिनों में कर लेते हैं, बी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर लेगा? तो देखिए यहाँ से ए प्लस ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में कर लेते हैं, कह रहा है कि 40 दिन में कर लेते हैं, और कह रहा है कि बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में कर लेते हैं, कह रहा है कि 36 दिन में कर लेते हैं। कह रहा है कि अगर तीनों मिल जाएं, ए प्लस बी प्लस सी एक साथ तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में हो जाता है, 24 दिन में हो जाता है। ये देखिए तीनों का एलसीएम लीजिए, यहाँ से 40 36 24 का एलसीएम ले रहे होंगे, कितना आएगा, 360 आएगा। ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। कैसे आया, एलसीएम लेने पर। आप एलसीएम निकालना जानते होंगे यहाँ से, नहीं तो आप हमारे वीडियो को जाकर देखें, वहां से एचसीएफ और एलसीएम का एक चैप्टर है, वहां पर पढ़ा दिया गया है। तो यहाँ से देखिए 40 36 और 24 का एलसीएम कितना होगा, 360 होगा। तो देखिए यहाँ से कह रहा है कि ए और बी मिलकर 40 दिन में 360 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 9 काम करेंगे, क्योंकि इसमें भाग देना है। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, बी और सी मिलकर 36 दिन में 360 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 10 काम करेंगे। यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ए बी सी मिलकर 24 दिन में 360 काम करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 15 काम करेंगे। यहाँ 360 में 24 से भाग देना है। तो कह रहा है कि यहाँ से देखिए ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता 15 है, और यहाँ से देखिए यहाँ से बी प्लस सी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 10 प्लस ए इज इक्वल टू 15, तो ए इज इक्वल टू यहाँ से ले जाएंगे उस साइड 15 माइनस 10 ए इज इक्वल टू 5। ए की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 5 है। अब आगे देखिए कह रहा है कि ए प्लस बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 9 है। यहां से ए का कैलकुलेट किया गया है, यहां रख दीजिए ए का 5 + b इज इक्वल टू 9, तो बी इज इक्वल टू 9 - 5, तो बी इज इक्वल टू 4। बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी आ गई, 4 आ गई। तो कह रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा। ये देखिए बी की एक दिन की कार्य करने की क्षमता है, तो पूरा काम कितना है, 360, तो बी अकेला 360 काम, यहाँ पर 4 से भाग दीजिए, यहाँ पर 9 × 36 90 दिन में बी अकेला कार्य कर लेगा।
यहाँ पर आपका ऑप्शन टू करेक्ट है।